मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं डेली मेल की स्टोरी प्लांटेड थी। स्टोरी से पहले डेविड रोस और इमरान खान की मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ मीडिया ट्रायल की बातें वजीर आजम हाउस में हुई। शहजाद अकबर ने ये स्टोरी लिखवाई। क्या शहबाज शरीफ पर जो इल्जाम लगाए गए उसके कोई सबूत हैं? वो वक्त दूर नहीं कि आवाम का हाथ और शहजाद अकबर का गिरेबान होगा। खुद आटा चीनी चोरी करो और दूसरों पर इल्जाम लगाओ। मुशीर दाखला शहजाद अकबर कहते हैं शहबाज शरीफ के केस की जीत से मुतालिक गलत अंदाज में रिपोर्ट किया जा रहा है। शहबाज शरीफ और अली इमरान पे केस नहीं जीते। लंदन की अदालत में समाअत डेली मेल के आर्टिकल को समझने से मुतालिक थी। मामले खसूसी शहबाज गिल कहते हैं चोरी साबित हो गई तो लंदन में इंग्लिश में बेइज्जती होगी। अदालत ने सिर्फ ये कहा है कि डेविड रोज की खबर शहबाज शरीफ के बारे में ही थी और अगर खबर झूठी हुई तो उनकी हद तक इज्जत तसव्वुर होगी। अब अदालत में ये साबित करना होगा कि शहबाज शरीफ और टब्बर ने चोरी की है या नहीं। कराची में हलीम आदल शेख और उनके कजन के फार्म हाउस के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस की भारी नफरी मौजूद। इंतजामिया के मुताबिक 30 साल से बने 200 से जायद फार्म हाउसेस मिसमार किए जाएंगे। एसएसपी लतीफ सदीकी का फार्म हाउस भी गिरा दिया गया। तमाम जमीनों के कागजात मौजूद हैं। स्टे ऑर्डर के बावजूद कार्रवाई की जा रही है। बिलावल भुट्टो के कहने पर वजीर आला सिंध इंतकामी कार्रवाइयां कर रहे हैं। हलीम आदल शेख सिंध हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। कोरोना मरीजों की फहरिस्त में पाकिस्तान दुनिया भर में 30वें नंबर पर आ गया। मुल्क में कोरोना से मजीद 28 अफराद जान बहक। तादाद 11,914 हो गई। 24 घंटे में 1,286 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में फाल केसेस की तादाद 32,514 तक जा पहुंची। दुनिया भर में कोरोना से 23,08,000 हलाकतें। मरीजों की तादाद 10,59,00,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 4.5 लाख, ब्राजील में 2,30,000, भारत में 1,55,000, मैक्सिको में 1,64,000, रूस में 75,700, फ्रांस में 78,000, बरतानिया में 1,11,000 और सऊदी अरब में 6,393 अमवात। कराची लांडी फ्यूचर के करीब निजी कंपनी के बस ने शहरियों को कुचल डाला। हादसे में खातून समेत 3 अफराद जान बहक, 3 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मकबूजा कश्मीर आज दुनिया की सबसे बड़ी जेल बन चुका। भारत के जेर कब्जा कश्मीर में सूरत हाल आलमी बरादरी से छुपी हुई नहीं। पाकिस्तान ने मसला कश्मीर पर भरपूर सियासी सिफारती मुहिम चलाई। वजीर आजम ने जनरल असम्बली में मसला कश्मीर पर बात की। वजीर खारजा का जम्मू कश्मीर OIC राबता ग्रुप से वीडियो लिंक खिताब। मसला कश्मीर को अंदरूनी मामला करार देने वाले भारत के मुंह पर तमाचा। तारीख में पहली बार अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क की असम्बली में 5 फरवरी को कश्मीर डे करार दे दिया गया। कानून साज असम्बली में अक्सरियती वोट की बुनियाद पर करारदाद मंजूर। रियासती असम्बली और सेनेट ने करारदाद की मुतफिका मंजूरी दी। और अनसनाउल्ला की अबूरी जमानत की दरखास्त से सुनवाई के लिए मुकर्रर। जस्टिस सरफराज डोगर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 9 फरवरी को सुनवाई करेगा। दरखास्त में चेयरमैन नैब और दीगर को फरीक बनाया गया है। नैब आमदर से ज्यादा असासों के इल्जाम के तहत इंक्वायरी कर रहा है। चेयरमैन नैब ने इख्तियारात से तजावुज करते हुए इंक्वायरी की मंजूरी दी। अबूरी जमानत मंजूर की जाए। राणा सनाउल्ला की दरखास्त में इस्तेदा।